Hello students, today's topic is application of artificial intelligence. There are many applications of artificial intelligence and there are different areas in which AI is used. Some of them are learning. Learning is distinguished into a number of different forms. The simplest is learning by trial and error. For example, a simple program for solving mate-in-one chess problem might try out moves at random until one is found that achieved mate. The program remembers the successive move, and next time the computer is given the same problem, it is able to produce the answer immediately. The simple memorizing of individual items, solutions to problems, words of vocabulary, etc. is known as rote learning. इसमें क्या होता है कि जो आपने जैसे सपोज आपने चेस का गेम है, चेस में क्या होता है, हम जितने मूव होते हैं अगर वो सक्सेसफुल मूव है तो हम उसको क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं. तो नेक्स्ट टाइम होता है तो उससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम वो सर इमिडिएटली उसका आंसर देते हैं. सपोज जब आप देखते होंगे कि आपने मोबाइल में गेम खेलते हो तो आप अगर एक बार आप उस गेम को खेल लेते हो और आप उसको जीत जाते हो बन सकते हो, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि आप मिनिमम स्टेप्स में मिनिमम टाइम में आप उसको उस गेम को विन कर लेते हो. तो दिस इज द रोट लर्निंग. नेक्स्ट इज रीजनिंग. टू रीजन इज टू ड्रॉ इंफरेंसेस एप्रोप्रिएट in the situation in hand. Inference are classified as either deductive or inductive. Reasoning means to infer facts from given facts. For example, the former is Ravi is either in the museum or the cafe. He is not in cafe, so he is in museum. And the later previous accident, another example is previous accident just like this one have been caused by instrument failure. So probably this one was caused by instrument failure. The difference between the two is that in the deductive case, the truth of premises guarantees the truth of the conclusion. Deductive case क्या होता है? The truth of the premises guarantees the truth of the conclusion. जो आपने सत्य बताया है वही conclusion होगा. That is called deductive cases. Inductive cases, the truth of the premises lends support to the conclusion that the accident was caused by instrument failure. इसमें इंडक्टिव केस में क्या होता है कि जो आपने कंक्लूजन जो आपने प्रीमाइसेस से ट्रुथ है वो उस कंक्लूजन को सपोर्ट करे. बट नेवर्थलेस फर्दर इन्वेस्टिगेशन माइट रिवील दैट डिस्पाइट द ट्रुथ ऑफ द प्रीमाइसेस द कंक्लूजन इज इन फैक्ट फॉल्स. जैसे आपने देखा कि सपोज आप ने कोई एक एक्सीडेंट देखा और आप उसी रोड से डेली आप उसी से फैमिली आप डेली जाते हैं कहीं ऑफिस स्कूल और कहीं एनीवेयर, बट यू फॉलो एवरी टाइम द सेम पाथ. वन डे यू हैव सीन एन एक्सीडेंट, तो फर्स्ट थॉट इन योर माइंड क्या आएगा कि ये एक्सीडेंट इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से हुआ. क्यों? क्योंकि आप उस रोड से फैमिलियर हैं. तो आपने विदाउट टेकिंग टाइम यू हैव गिवन द कंक्लूजन. क्योंकि आपने कंक्लूजन क्यों दिया? क्योंकि आपको उस रूट को लर्न था, आप उस रूट को जानते थे, इसलिए आपने उसका रीजन दीजिए कि आप ये एक्सीडेंट क्यों हुआ. जबकि आपको भी नहीं पता ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, किस रीजन की वजह से हो सकता है, फेलियर की इंस्ट्रूमेंट फेलियर की वजह से हुआ, कोई मशीन फेलियर हुआ, मे बी अनदर रीजन, बट आपने कंक्लूजन दिया. Just the part of
रीजनिंग इट मीन्स कि आपने फैक्ट जो पहले से आपने जो फैक्ट थे उसके बेस पे आंसर दिया, ये भी आपका जो आपने रीजन दिया वो करेक्ट हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम प्ले ए गेम विच इज रेस्ट्रिक्टेड टू और टू टू प्ले पर्सन टेबल और वन पर्सन. बोर्ड गेम भी हो सकता है. ए टॉपिक विच वॉज फुल्ली डिस्कस इन द टॉपिक के ऊपर भी आप गेम प्ले कर सकते हो. ठीक है, मीन्स टू सॉल्व प्रॉब्लम मीन्स टू मूव टूवर्ड द गोल. इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले टू फाइंड आउट द इनिशियल स्टेट. सबसे पहले हम क्या करते हैं इनिशियल स्टेट फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ से हमें स्टार्ट देयर टू हैव वी हैव टू स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. एंड अनदर थिंग टू फाइंड द गोल स्टेट कि व्हाट वी हैव टू अचीव. सबसे पहले हमें क्या करना है इनिशियल स्टेट फाइंड आउट करनी है एंड गोल स्टेट फाइंड आउट करनी है. ओके, एंड चूज चूज द चूज विच ऑप्शन विच इज विच इज टेक मिनिमम टाइम इन रेस्पेक्ट ऑफ पोस्ट. जिसमें हमें मिनिमम टाइम लगे हम उस पाथ को फॉलो करेंगे. मे भी हो सकता है टू टू थ्री फाइव हो सकती है लेकिन हम उस पाथ को चूज करें जिसमें से हमें मिनिमम स्टेप में हमारा आंसर हमारा गोल अचीव है एंड उन स्टेप्स को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं. द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स डिवाइड इनटू स्पेशल पर्पज एंड जनरल पर्पज. ए स्पेशल पर्पज मेथड इज टेलर मेथड फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड ऑफन एक्सप्लॉइट वेरी स्पेसिफिक feature of the situation in which the problem is embedded. A general purpose method is applicable to wide range of different problems. One general purpose technique used in AI is mean and analysis, which involves the step-by-step reduction of the difference between the current state and the goal state. The program select action from a list of means which in the case of say a simple robot might consist of pick up, put down, move forward, move back, move left and move right until the current state is transformed into the goal state. This is what we कि हमने जो इनिशियल स्टेट फाइंड आउट की फिर हमने देखा कि इसमें कौन कौन से पाथ हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और उसमें चूज करते कि दिस इज बेटर ऑप्शन बेटर पाथ. फिर हम उसको सेलेक्ट करते हैं फिर उसको एक्सपेंड करते हैं फिर हम उसको आगे करते हैं. ठीक है, मीन एनालिसिस का हमने इसमें किया. मीन मीन्स कि फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द प्रॉब्लम एंड डिवाइड इनटू टू पार्ट स्मॉल प्रॉब्लम एंड मेजर प्रॉब्लम. फर्स्ट सॉल्व द स्मॉल प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व एंड ट्राई टू सॉल्व मेजर प्रॉब्लम एंड एट द लास्ट मल्व ऑल दिस प्रॉब्लम ऑल द आंसर एंड कंक्लूड द आंसर. नाउ नेक्स्ट इज गेम प्लेइंग. इन अ गेम प्लेइंग मशीन्स दैट कैन प्ले सर्टेन गेम्स लाइक चेस Gate mastery, through brute force computation, which gives ability to look at hundreds of thousands of positions per second. Next is speech and character recognition. The ability of computers to recognize voice and writing. In speech recognition, that limited system are now successful. In speech recognition, we क्या होता है कि आपने क्या किया पहले डेटाबेस में जितने भी वॉइस या स्पीच आप इसको रिकॉर्ड करते हो और उसको आप डेटाबेस में स्टोर कर देते हो. देन अगेन जब आप जब एप्लीकेशन ओपन करते हो तो क्या कहते हैं जिस वॉइस को आप चाहते हो नोट करेंगे वो वॉइस आप
उस वॉइस को उस डेटाबेस से आप मैच करते हैं, और वो वॉइस मैच होगी तो आपका एप्लीकेशन ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेम इज करेक्टर और रिकॉग्निशन और इमेज प्रोसेसिंग, इमेज रिकॉग्नाइजेशन, कि आपकी कोई भी इमेज को या आपने थंब इम्प्रेशन है, बायोमेट्रिक मशीन्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि हर एम्प्लॉय का जो बायोमेट्रिक होता है, हर एम्प्लॉय का डेटाबेस पहले हम रिकॉर्ड करते हैं फिंगरप्रिंट। तो उसमें जैसे आप मोबाइल में देखते हो टच स्क्रीन, थंब इम्प्रेशन या फिंगर स्कैनिंग, तो उसमें क्या होता है पैटर्न मैचिंग स्कैनिंग होता है। सबसे पहले आप स्कैन करोगे, आपको उसका डेटा रिक्रीज हो जाएगा, जब नेक्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो पहले आप उसको टच करोगे तो वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा या मैचिंग कराएगा प्रीवियस डेटाबेस से। अगर वो डेटाबेस से मैच हो गया तो आपका एप्लीकेशन या मोबाइल ओपन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्रोवाइडिंग अ कंप्यूटर विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डोमेन ऑफ ए नेचुरल लैंग्वेज। प्रोवाइडिंग द कंप्यूटर विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डोमेन ऑफ ए नेचुरल लैंग्वेज, हमें एक ऐसा डोमेन, ऐसा कंप्यूटर डेवलप करना चाहिए करना कि जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके एंड उसको इम्प्लीमेंट करके उसका आउटपुट हमें प्रोवाइड कर सके। जैसे आज के डेट में आपने देखा होगा कि गूगल ने काफ़ी वॉइस रिकॉग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में वर्क किया है। गूगल ने काफ़ी इम्प्लीमेंट किया कि आप अगर जो भी कुछ बोलते हो एडिटिव उसको प्रिंट कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एंड एक्सपर्ट सिस्टम गेट आर एबल टू मेक डिसीजंस एंड परफॉर्म द वर्क ऑफ प्रोफेशनल्स लाइक ह्यूमन एक्सपर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल डायग्नोस्टिक सिस्टम इन हॉस्पिटल्स। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होते हैं, जैसे आप MRI कराते हो, CT स्कैन कराते हो, तो किस बेस पे होता है, वो प्रीवियस डेटा बेस पे होता है, जो रिजल्ट आता है वो प्रीवियस डेटा है। ऐसा नहीं कि मशीन मिला रहता है, मशीन में मशीन को इंटेलिजेंट कैसे बनाया, हमने उसको प्रीवियस डेटाबेस को स्टोर करा, उस डेटाबेस को वो मैच कराता है करंट डेटा से, और इसमें अगर इन दोनों में कुछ मिसमैच होता है तो वो उसी को आइडेंटिफाई करेगा और उसी बेस पर डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज रोबोटिक्स, ऑटोमेशन ऑफ टास्क परफॉर्म बाय अ मैकेनिकल डिवाइस थ्रू प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स। रोबोटिक्स में क्या है कि आप पहले से प्री डिफाइंड उसको प्रोग्राम उसमें इंसर्ट करते हो, उसमें प्रोडक्ट करते हो, जिसके बेस पे आप उसको बताते कि ये पर्टिकुलर क्या टास्क करना है, तो रोबोट उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं। रोबोट अपनी माइंड से नहीं करता, रोबोट की जो आप प्रोग्राम करते हो, जो आप कोड करते हो, उसी के अकॉर्डिंग उसका आउटपुट। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन प्रेडिक्टर्स, इंफॉर्मेशन प्रेडिक्टर कहाँ पर यूज होता है, जैसे कि आपने एक डेटा बेस के यूज करके सपोज लाइक बैंक में क्या होता है, जैसे आप बताते हैं कि बैंक में कितना स्टेक की डेटा बेस में प्रोवाइड कर दिया, इंश्योरेंस कंपनीज में, मार्केट सर्वे में, ट्रेंड टूल्स आर यूज टू डिटेक्ट ट्रेंड्स एंड प्रेडिक्ट लाइक कस्टमर बिहेवियर। कि आपने ये बैंक में क्या होता है, जैसे आपने डेटा बेस है कस्टमर्स का जितने सबके अकाउंट्स हैं, तो वो डेटा बेस देखते हैं कि कौन कितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो उसके बेस बताते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन यूज कर रहा है, ये इतना ये बिल्कुल नहीं कर रहा, तो उसके वजह से वो एनालिसिस करता है कि कौन है, तो उसके अकॉर्डिंग बैंक फिर उनको ऑफर प्रोवाइड करता है। जैसे आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में तो प्रडिक्शन होता है या शेयर अप होगा डाउन होगा, तो वो क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा बेस, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा बेस, ऑन द बेसिस ऑफ योर कैपिटल फंड्स, फाइनेंशियल कंडीशंस एंड प्लान, उन बेसिस पे वो प्रेडिक्ट करता कि इसका शेयर मार्केट अप होगा कि शेयर मार्केट डाउन। कंप्यूटर विजन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन, कंप्यूटर प्रोसेसिंग ऑफ इमेज फ्रॉम द रियल वर्ल्ड एंड रिकॉग्नाइज ऑफ फीचर्स प्रेजेंट इन फिगर। हाँ, अदर टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, there are many branches of artificial intelligence. So then first is and before this we have many areas of application like weather forecasting, where these are the applications of AI, weather forecasting, pattern matching, biometric machines, in healthcare, in banking, in finance, in
aerospace and airport and mobile games, all are applications of AI. Now, branches of artificial intelligence. So first is logical AI. What a program knows about the world. In general, the facts of the specific situation in which it must act and its goals are represented by sentences of some mathematical logical language. The program decides what to do by inferring that certain actions are appropriate for achieving its goals. Next is search. In AI programs, often examine large number of possibilities, for example, moves in a chess game, or inference by a theorem will be programmed. Discoveries are continually made about how to do this more efficiently in various domains. Searching, heuristic search, searching. And third is pattern matching, pattern recognition. When a program makes observation some kind, it is often programmed to compare what it sees when a pattern. For example, a vision program may try to match a pattern of eyes and a nose in a scene in order to find a face. More complex pattern, for example, in a natural language text, in a chess position, or in the history of some event are also seen. So, suppose pattern recognition means क्या होता है? आप जो patterns आप store करते हैं database, next time जब आप open करोगे और कोई pattern आप enter करोगे, तो वो previous database से वो match करते हैं. If pattern is matching, then application or program is open, otherwise, no. Next is representation. True facts about the world have to be represented in some way, usually language or mathematical logics are used. Representation किसको करते हैं? जिनको हम सेंटेंस को या लैंग्वेज को हम किसकी फॉर्म में लॉजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. अनदर इन्फ्रेंस. सम फैक्ट्स अदर कैन बी इन्फर्ड. मैथमेटिकल लॉजिकल डिडक्शन इज एडिक्वेट फॉर सम पर्पस, बट न्यू मेथड्स ऑफ नॉन मोनोटोनिक इन्फ्रेंस हैव बीन एडेड टू लॉजिक. The simplest kind of non-monotonic reasoning is default reasoning, in which a conclusion is to be inferred by default. But the conclusion can be withdrawn if there is evidence to the contrary. For example, when we hear a bird, so we infer that it can fly. अगर आपने हियर बर्ड की आवाज वॉइस सुनी है सुना, तो इट मीन्स ये फ्लाई उड़ सकती है. बट दिस कंक्लूजन कैन बी रिवर्स्ड व्हेन वी हियर दैट इट इज ए पेंगुइन. ओके, नेक्स्ट इज कॉमन सेंस नॉलेज एंड रीजनिंग. दिस इज द एरिया इन विच एआई इज फार्देस्ट फ्रॉम ह्यूमन लेवल, in spite of the fact that
Now, common sense, knowledge, and reasoning. This is the area in which AI is farthest from human level, in spite of the fact that it has been an active research area since the 1950s. For example, in developing system of a non-monotonic reasoning and theories of action. Okay. Next is epistemology. This is the study of the kinds of knowledge that are required for solving problem in the world. Ontology. Ontology is the study of the kinds of things that exist. In AI, the programs and sentences deals with various kinds of objects, and we study what these kinds are and what their basic properties are. Next is heuristic. A heuristic is a way of trying to discover something or an idea embedded in a program. Heuristic functions are used in some approach to search to measure how far a node in a search tree seems to be from a goal. Heuristic predicates that compare two nodes in a search tree to see if one is better than other. That is, constitute an advance toward the goal and may be more useful. In heuristic, what happens? कि हम टू नोड्स टू और मोर देन टू नोड्स को हम कंपेयर करते हैं विच नोड इज बेटर वी चूज बेटर नोड एंड फॉरवर्ड जेनेटिक प्रोग्रामिंग जेनेटिक प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक फॉर गेटिंग प्रोग्राम्स टू सॉल्व ए टास्क बाय हेल्पिंग अ रैंडम लिस्ट प्रोग्राम एंड सेलेक्टिंग fittest in millions of generations. Next is robotics. This involves developing the mechanical or computer device that perform tasks requiring a high degree of precision. Expert system. The expert systems are computer programs that are derived from a branch of computer science research called AI. The term expert system is reserved for programs whose knowledge base contains the knowledge used by human experts. Now, what are the challenges before AI? It is easy to say but difficult done. In order to achieve the task of imitating human behavior or acquiring human intelligence, the machine must reflect the following capabilities which are commonly inherited by an intelligent person. First is natural language processing. Like a human, machines should understand the script or the meaning of sentence spoken or written freely in natural language by humans. We don't mind grammar as well as composition of sentences while reading or talking informally. Natural language mein kya hai? इस तरह से सिस्टम डेवलप करना है क्योंकि चैलेंजेस क्या आते हैं कि जो हम बोल रहे हैं जो हम राइट कर रहे हैं जो हम स्पीक और रिटन जो हम राइट कर रहे हैं वो कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड होना चाहिए कि वो उसको रिफ्लेक्ट करे एज इट इज कि वो उसको डिस्प्ले करे जैसे गूगल गूगल में होता है कि आप गूगल में क्या है कि आज नाउडेज कि आप जो भी आप बोलते हो वो उसको एज इट इज प्रिंट करे और उसी के बेस पर सर्च करे
Okay. Now, second is knowledge representation. It is another great challenge how to express knowledge which can be presented in mathematical or some logical formats. The goal to get a work done by a computer will be to translate the informal sentences into formal ones, which could be well interpreted by a computer. We use production system, semantic nets, frames like a structure, or to express knowledge. Knowledge creation में क्या होता है? कि जो हम sentences होता है, हम उसको एक structure form में, एक semantic nets की form में, हम उसको represent करते हैं, जिससे कि computers easily understand कर सके कि वो सेंटेंस को और उसका एक फ्रूटफुल उसका आउटपुट प्रोवाइड कर सके. जैसे आप एक सेंटेंस है, एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में भी सेम मीनिंग होता है, पैसिव वॉइस में सेम मीनिंग, लेकिन कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करे कि उसका मीनिंग सेम है. तो हम एक ऐसा कॉमन स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं जिससे वो एक्टिव सेंटेंस हो या पैसिव सेंटेंस हो, दोनों का मीनिंग सेम है और कंप्यूटर उसको रिप्रेजेंट कर सके. Next is automated reasoning. The capability to use the stored information to answer the questions and to draw new conclusions. Okay. Next is machine learning. Learning is an important property of humans. Learning is an important property of humans. Whatever we wish to act, we learn first, then exercise for perfection. Machine, इसमें क्या होता है, हम learn, जो भी हम learn करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, learn करते हैं, then हम implement करते हैं, exercise. The machine should also be able to learn to adapt to new circumstances and to detect and extrapolate patterns.